हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? तो प्रतिनिधि कवि कबीरदास है। ब्रिटिश राज का गहना थी कौन थी? हथकड़ियाँ थी। ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या था? राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम था। बीजक रचना किसकी है? तो ये है कबीरदास की है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोसानी अल्मोड़ा में। रिक्त स्थान देख लेंगे। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। दो बेलों की कथा के लेखक प्रेमचंद हैं। पीपर पास सरस मंडोला में उपमालंकार है। गधे जानवर को क्रोध नहीं आता है। पंचामृत में द्विगु समास है। और ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। सही जोड़ी देख लेंगे। श्री कृष्ण का पीताम्बर, चरुचंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार, आदान का प्रदान और डांडे का क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। लहला का पलक पालक ये हो जाएगा महमत ध्वनिया श्रृंगार रति हो जाएगी। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देख लेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। सुमित्रा नंदन पंत के रचना का नाम ग्राम्य है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का है। जीवन का समग्र चित्रण किसमें है? महाकाव्य में है। करुण रस के स्थायी भाव शोक है। जगदीश में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। सत्ता सत्य देख लेंगे। ये 6 सत्ता सत्य दिए गए हैं, तो ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ से हम क्रमशः सभी प्रश्न देख लेंगे। छठवां सातवां से, छठवां ये है, सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां और तेरहवां चौदहवां पंद्रहवां और ये हमारा सोलहवां प्रश्न है। ये सत्रहवां है, अठारहवां है, ये उन्नीसवां है। सप्रसंग व्याख्या करनी है। बीसवें में रूपरेखा लिखनी है। तीन दी गई हैं, तीन में से किसी एक की। और ये 25वां प्रश्न देख लेंगे, सॉरी 21वां है, ये 22वां और 23वां। इसमें पत्र लिखना है ध्वनि विस्तारक के अंक को प्रतिबंध लगाने हेतु, और अथवा में पिताजी को सूचना देने के लिए वार्षिक तैयारी की परीक्षा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। और 23वें में निबंध लिखना है किसी एक पर। तो देख लेंगे क्रमशः सभी। विज्ञान के भी बढ़ते चरण हैं, वृक्षारोपण है, अनुशासन का महत्व है, तो अच्छी करोगे।